आज हम एक बेहद रोचक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है ब्रह्मांड में फैले तारों की, उन तारों के जन्म, जीवन और उनके मृत्यु की। तारे अत्यंत गर्म गैसों के वो चमकते पिंड हैं जिनका जन्म नेब्यूला या निहारिकाओं से होता है। निहारिकाएं अंतरिक्ष में ऐसे बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। तारे अपने साइज, मास और टेम्परेचर के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ तारे सूर्य से 450 गुना छोटे और कुछ 1000 गुना तक बड़े हो सकते हैं। तापमान और रंगों की बात करें तो गर्म तारे नीले रंग के और कम तापमान वाले तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं। हमारे सूर्य का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है और यह पीले रंग का दिखाई देता है। ये एक अधेड़ उम्र का छोटा तारा है। तारों के अंदर से निकलती ये ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम होती है, जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। छोटे तारे जिनका द्रव्यमान या मास सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उसके आसपास होता है, उनका जन्म हाई डेंसिटी वाले नेब्यूला में शुरू होता है। अपनी ग्रेविटी के कारण गैस और धूल के बादल सिकुड़कर कंडेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर का पदार्थ गर्म होकर चमक उत्पन्न करने लगता है, जिसे प्रोस्टार या प्रारंभिक तारे कहते हैं। यह प्रोस्टार लगभग 1,00,000 साल तक इस अवस्था में बना रहता है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस तापमान पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। अब ये पूर्ण तारे का रूप ले लेता है और अपनी चमक बिखेरने लगता है। इस तरह के छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य है, लगभग 10 बिलियन साल तक जलते रहते हैं जब तक इनका पूरा हाइड्रोजन फ्यूल हीलियम में ना बदल जाए। अपनी उम्र पूरी करने के बाद इसके कोर की हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगती है और तारे की बाहरी सतह ठंडी होकर फैलती है और विशाल आकार ले लेती है। इस समय तारे की चमक काफी कम हो जाती है और ये लाल विशाल रूप ले लेता है। इसे रेड जायंट या लाल दानव कहते हैं। इस तारे के कोर में हीलियम कार्बन में बदलकर अब खत्म हो जाता है और इसकी बाहरी लेयर जो गैस से बनी होती है दूर होती हुई कोर को घेरती है, जिसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। तारे का कोर अब ठंडा और कम चमकीला होने लगता है, जो वाइट ड्वार्फ या सफेद बौना तारा कहलाता है। और अंत में तारे की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसे ब्लैक ड्वार्फ या काला बौना तारा कहते हैं। और यहीं पर अरबों सालों का यह सफर खत्म हो जाता है और तारे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह हमने देखा कि एक छोटे तारे का अंत ब्लैक ड्वार्फ के रूप में होता है। हमारे तारे सूर्य का भी अंत कुछ बिलियन साल बाद शायद ऐसा ही होगा, लेकिन इसका अंत देखने से बहुत पहले मानव सभ्यता का शायद विनाश हो जाए, या हमारी आने वाली पीढ़ियां किसी अन्य सोलर सिस्टम में किसी ग्रह पे अपना नया घर बना लें। अब बात करते हैं एक बड़े तारे की। वो बड़े तारे जिनका मास सूर्य से 8 गुना से 50 गुना तक ज्यादा हो, तो इनका जन्म भी छोटे तारों की तरह डेंस नेब्यूला से ही होता है और सारी प्रोसेस मेन सीक्वेंस स्टार बनने तक वही रहती है जैसा हमने छोटे तारे के जीवन काल में देखा। इनका फ्यूल हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन इनमें यह सारी प्रोसेस तेज होती है और इनका फ्यूल जल्द खत्म हो जाता है। और इन तारों का जीवन काल छोटे तारों से काफी कम,
कुछ मिलियन साल ही होता है। अपने जीवन के अंत के करीब इनका हीलियम से भरा कोर चारों तरफ ठंडी और फैलती हुई गैसों से घिर जाता है और यह रेड सुपर जायंट या लाल महादानव तारा कहलाता है। अगले कुछ मिलियन सालों तक इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है और जिससे इसके कोर में आयरन और इसके बाहरी भाग में अन्य तत्वों का निर्माण होता है और फिर आता है इसका अंत समय, जब इसका कोर एक सेकंड से भी कम समय में ठह जाता है और एक महाविस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ समय के लिए इसकी चमक उस तारे की गैलेक्सी से भी ज्यादा होती है। इस विस्फोट से बहुत सारे भारी एलिमेंट्स ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ये वही एलिमेंट्स और तत्व हैं जिनसे हम और आप बने हैं, मतलब हम आप सब वास्तव में अंतरिक्ष की धूल ही हैं। इस विस्फोट के बाद बचे मलबे से बनते हैं बहुत छोटे लेकिन बहुत ज्यादा डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स कुछ किलोमीटर व्यास के होने के बावजूद सूर्य के मास का लगभग 1.4 गुना मास अपने अंदर समाये होते हैं और इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना ज्यादा होती है। और अगर इस बड़े तारे के बचे मलबे का मास सूर्य के मास से 3 गुना से भी ज्यादा रह गया तो कोर डेंस होकर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल वो जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आगे प्रकाश भी अपना व्यवहार बदल देता है। इस तरह हमने देखा एक बड़े तारे का अंत न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। हमने इस कहानी में तारों के जीवन और उसके अंत को देखा। ब्रह्मांड ऐसे ही रहस्यों से भरा है जिसकी खोज में लगातार मानव लगा हुआ है और हम भी इनके रहस्यों को आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे।